गाइस हमारे रूम में चिपकली आ गई है। गाइस गई है दीपा, दिखाना दिखाना, दिख रही है? भाग गई। अबे यार कुछ से दीवार पे चढ़ के मेरे ऊपर ना आ जाए। ये हटा, ये हटा दे, ये हटा। बाहर से आई है पता है आपको? इधर इधर से आगे आगे कोई होगी। काली है। ये गेट खोल दूं? नहीं नहीं नहीं, बाहर निकलेगी ना। मारो ऊपर, हो ऊपर चिपकली है। मेरे चिपकली है। ये लो। भाग मत, एक आपने भी काम किया। मारो चिपकली, चिपकली डरा दी फोन में। मुझे करनी है एक वीडियो शूट जिसके लिए मैं बहुत फटाफट से रेडी हो रही हूँ, और कुछ ही प्रोडक्ट्स मैंने रखे थे। देखो सिर्फ मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, ये रहे, और फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए ये वाला है, ये मैंने लगा लिए। तो अभी मुझे जस्ट याद आया, मैंने कहा चलो मेरे पास बहुत कम प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ कि मैं कैसे प्रोडक्ट से रेडी हो रही हूँ। तो मैंने भी फेस पर बेस लगा लिया है, और बहुत हल्का सा बेस लगाया, एक बीबी क्रीम लगाई है मेबेलिन वाली, लैक्मे वाली। और उसके बाद मैंने ये स्टेको की के पाउडर से ना, मैंने ब्रश भी कोई यूज़ नहीं करा है, हैंड की हेल्प से ही ऐसे डैप कर करके फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर लिया है। एंड देन अब मैं कर रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं स्टे कुकी का ये वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, इससे मेरे को पिंक सा टिंट मिलेगा आईज़ पर। देखो मैं मिरर भी नहीं लेके बैठी, नो मिरर, नो ब्रश, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मैं स्टे कुकी का ये वाला कलर भी ले रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क है। पता नहीं लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, मुझे एकदम से नेचुरल सा लुक चाहिए, ठीक है। और अभी मैं इसी से ही ब्लश लगा लूँगी। थोड़ा सा लाइट वाला अब मैं फटाफट से अपने आईब्रो को इससे कर लूँगी। ये मेबेलिन का है मस्कारा, और ये देखो मेरी आईब्रोज में डिफरेंस। जब मुझे बहुत जल्दी होती है ना गाइस, मैं इसी तरह से करती हूँ। ये बिल्कुल सूख गया है, तो इस वजह से मैं इसको आईब्रो पे कर पा रही हूँ। बट अगर आपका बहुत फ्रेश है, न्यू है, तो आप ये वाला ना ट्राई करें, बिकॉज फिर बहुत अजीब लगेगा। बट अगर आपका थोड़ा सा थिक हो गया है, प्रोडक्ट बहुत कम है, तो आप ये आईब्रो वाला ना ऐसे कर सकते हैं। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट और लास्ट जो मैं अप्लाई करूँगी वो करूँगी लिपस्टिक। ये है मेबेलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक, इसका शेड है 180, ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा शेड है, बहुत ही प्यारा। इसको भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, और तो ये देखिए गाइस मेरा सिंपल सा नेचुरल सा लुक। 5 मिनट मुझे लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने के लिए, और देखो कितना सही लग रहा है। मैंने इसमें फाउंडेशन भी नहीं लगाया, आईब्रोज भी नहीं करी बहुत ज़्यादा, मस्कारे भी मैंने अप्लाई नहीं करा है, आप देख सकते हैं, बिकॉज मेरे को एकदम नेचुरल सा लुक चाहिए था, बट मेकअप भी चाहिए था। सो यह ये था, और ये सारे प्रोडक्ट गाइस पॉपर पे अवेलेबल हैं। मैं इसलिए, और लास्ट में अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना, तो आप इस तरह से
ये जो वाओ का टोनर है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ब्लॉग में, बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ ये प्रोडक्ट। अगर आप कोई टोनर ट्राई करना चाहते हो तो आप वाओ का ये वाला ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा है। ओके सो गाइस, ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ करे हैं, ये सारे के सारे, ये सेकुकी का पाउडर, ये ब्लश हो गया, ये बेम्बलिन का मस्कारा, ये सेंसेशन मस्कारा मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है। अभी तो ये सूख गया, बट ये इतना अच्छा है, आपकी आपके लैशेस को इतनी अच्छी वॉल्यूम देता है, कर्ल देता है, और बिल्कुल सेपरेट रखता है आपके ये लैशेस को। और ये लिपस्टिक से आगे, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो पर्पल पे अवेलेबल हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं। और पर्पल पे भी बहुत अच्छे सेल भी चल रही है, पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल जो कि चल रही है 22 टू 27 जून तक, जिसपे आपको मिल रहे हैं अप टू 50% तक के ऑफ। और गाइज, गेट अ चांस टू विन एन आईफोन यूजिंग कूपन कोड iPhone 12, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और गाइज, अगर आप वाओ का कुछ भी परचेज करते हैं, जैसे कि टोनर आप कर सकते हैं, हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छा है, तो आपको मिलेंगे, अगर आप 399 का कुछ भी वाओ का परचेज करते हैं तो आपको फ्लैट 40% तक का ऑफ मिलेगा। अगर आप कुछ भी गुड वाइब्स का, स्टे कोकी का, गुडनेस का कुछ भी परचेज करते हैं, या एन वाई बी का, तो आपको फ्लैट 30% तक के ऑफ मिलेंगे। अगर आप मेबलिन का कुछ भी परचेज करते हैं तो अप टू 40% तक के ऑफ मिलेंगे। और 24 टू 25 के बीच अगर आप गुड वाइब्स, स्टे कोकी, अल्स, गुडनेस, एन वाई बी का कुछ भी लेते हैं तो आपको फ्लैट 30% तक के ऑफ मिलेंगे। और अगर आपको अच्छे से और भी ऑफर्स जानने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, और इन सारे प्रोडक्ट की लिंक्स भी दे दूंगी। सो या चलती हूँ मैं फटाफट से अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। जोन मेरी जोनी कब गई, निंदी कब गई, कब लाती कब गई, तेला हुआ है अशल, पागल हुई इसका दिल, के बीत जाए तुझ में ये उमल, एक पल की भी अब तो दूली ना मुझको दे लो, तू ही और मिलाओ मुझको गोद में और छेड़ लेना, मुझको लेना, मुझको कादनिया छे लेना, एक तू ही और मिलाओ, लव यू बोल दो, अच्छा बोल दो लव यू, बोल दो लव यू। मायरा और मैं नहा चुके हैं, मैं भी अभी अभी नहा के निकला हूँ, टॉवल पे हूँ नीचे, और मायरा वही मालिश करवा रही है, मालिश नहीं, बॉडी लोशन लगा रही है। और इसके बाद अब हमारा ब्रेकफास्ट चालू होगा, हम तंदूर में आज आलू वाले नान बनाएंगे, वो मैं अभी दिखाता हूँ, और बहुत अच्छे लगते हैं तंदूर में, और मज़ा आएगा। चलो चलो जी, हमारा भी रेडी हो गई है, और मैंने भी शॉर्ट्स वगैरह सब पहन लिए, और अब हम चलते हैं किचन की तरफ जहाँ बनेंगे तंदूरी नान। लेट्स गो। मायरा आजो 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 आजो, आराम से आराम से आराम से आराम से, ब्रॉनी ब्रॉनी ने अपना खाना नहीं खाया, ये ऐसे ही करता है, जब इसका मन होता है खाने का तब खा लेता है, नहीं खाता है वरना खाता ही नहीं। सो गाइस, किचन में आ गए हैं, और हमारा तंदूर है ये रहा कोने में पड़ा हुआ है, अब इसको मैं पहले बाहर निकालता हूँ। सी गाइस, मायरा ब्रॉनी को कह रही है खाना खाओ, अपना खाना खाती नहीं है, मायरा बोल दो ब्रॉनी खाना खाओ, खाना खाओ ब्रॉनी, तू उसको बोला वो गड़गड़ करने लग गया, कह रही है चुप हो जाओ, मैं उसको बोलो खाना खाओ, फिनिश योर फूड, मायरा बोलो फिनिश योर फूड, मायरा ब्रॉनी को बोलो खाना खाओ, वाटरमेलन खाएगा बेटा, घर वालों पे नहीं करता गुस्सा, क्या वो ऐसे डराता है, अगर मायरा को डांटेंगे ना मायरा हम पे चिल्लाता, और तेरी शक्ल ज़ॉम्बी जैसी हो गई थी। चलो तंदूर निकालता हूँ एक मिनट,
मायरा के लिए ना तवे में बनाते थे, तंदूर भी थोड़े क्रंची। पता नहीं वो खाएगी कि नहीं खाएगी। खाएगी, इसने खाया कैसे, दूध भी पी के पहले मायरा को बनाते। मैं पहले बाहर फैन ऑन करके आता हूँ। मायरा ब्राउनी बिस्किट खा रहा है अपना। ओके तो गाइस मैं अपनी तंदूर बाहर निकालता हूँ जो कि पीछे पड़ा हुआ है। ये अभी मैंने ऑन किया है, थोड़ा प्री हीट हो जाएगा। हाँ पहले मारे की रोटी बना दें। गाइस ये बड़ा मुश्किल टास्क है मारे को खाना खिलाना, क्योंकि उसको वो खाती नहीं है। नहीं बहुत नखरे कर करके खाती है यार। यार एक पिज़्ज़ा का स्लाइस पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ ये खा ही लूँ, मन कर रहा है मेरा। पैट नहीं, मुझे लग जाता है, मुझे खाना खाना पानी सब लगता है। गैस ऑन है? बिना गैस ऑन के भी रोटी कैसे बनती है? कभी कभी तो बना देती है। पानी देना, देखो गैस करना बहुत प्यास लग रही है। ओ अबे इतना भर के, ओ भाई साहब तुम्हें तो फिल पसंद है। नहीं भर के हो रहा, भरो भर भर के खा के। मायरा क्या कर रही है? मायरा अंदर है रूम में। चलो भाई अब ये बना रही है, क्या बना रही है? आलू, आलू तंदूरी नान। गाइस देख लो मुझसे कैसे गंदे तरह आलू तंदूरी नान, और इसकी रोटी है सड़ने वाली जो कि धुआं निकल गया, बहुत बच गई, मैंने बचा लिया। चलो ये मायरा की रोटी है। देखा मेरी रोटी कैसी बनती है गाइस? लोगों का लगता है मुझे सिर्फ मेकअप करना आता है, और आपको क्या लगता है? तंदूर हमारा गरम हो चुका है, ओके अब फटाफट बेलो और डालो उसमें रोटी। ये लग गया है घी मायरा की रोटी पे, और सब्जी गरम है। इसको थोड़ी देर में सॉफ्ट होने के लिए है के 2 मिनट ऐसे छोड़ दो, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। सब्जी गरम है, और ये आलू शिमला मिर्च पनीर की सब्जी, और ये हमारा बन। आप अपने मायरा की ना देख के जाओ, ये ना एक्चुअली कल का है ना? नहीं कल का नहीं, इसको मैं बताऊँ कैसे करते हैं। जैसे आटा वो बॉल होगी ना बॉल, उसके अंदर जब फिलिंग करते हो तो उसको दबा दिया कर ताकि अंदर अच्छी तरह चले जाए। एक बना के दिखाना कैसे? नहीं नहीं नहीं, देख अब ऊपर से ना सिर्फ फटता नहीं है वो, ठीक है? बाहर का भी ऐसे होता है, ठीक है? नहीं खाए हैं कभी? बहुत खाए हैं, बड़े खाए हैं। वाह क्या बात, मोटा मोटा नहीं। मैं आटा ज्यादा नहीं लगाती ना, मुझे आटे लगा के रोटी बनाना पराठे बनाना ज्यादा पसंद नहीं है। ओके हाथ में आटा सूखा सूखा आता है। चलो गाइस ये जा रहा है अब तंदूर के अंदर, तंदूर और ये आटा। आवाज आ रही है मेरा? ओ ये आ गया है तंदूरी आलू नान, और उसके ऊपर जाएगा बटर। बटर थोड़ा और ऐसे रख दिया, बटर तो काफ़ी है। पता सही लग रहा है ना, क्रिस्पी। और इसको एक कर देगी क्रश। इसमें बटर बहुत सारा, कुछ ज़्यादा ही हो गया, और बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा कम करते हैं, और कम करते हैं। हाँ इसमें भी है ना थोड़ा सा, और
देखो अंदर तक थोड़ा जाए तो टेस्ट ही क्या है। तो चलो मैं हल्के से लगा देती हूँ, फिर कर देती हूँ। अंदर तक जाता तभी तो जूसी लगता। आधा करते इसका, आधा करते बस, वो बड़ा चल ठीक है, कोई नहीं। ओके ठीक है, ऐसा दो बन चुके हैं नान। अब आप रुकोगे नहीं ना, ब्रेक नहीं आएगा, आराम से खा सकते हो। कोई बात, मुझे ना ऐसे है कि अगर मैं एक रोटी, जैसे मान लो मेरी रोटी बन रही है और अगर मैं रोटी खा रहा हूँ और एक ख़त्म हो जाती है ना, तो बीच में अगर गैप आ जाए ना दूसरी रोटी के लिए, तो फिर मन ही नहीं करता खाने का। तो इसलिए मैं ना इकट्ठी बनवा लेता हूँ दो तीन, ताकि अगर बच जाए तो मैं बाद में भी खा दूँ और हाथ ना रुके बस, नहीं तो फिर मन ही नहीं करता। हमारा खाना आ गया है और मैं यहाँ बैठी थी और बड़े आराम से टाइम देख रही थी। सुपर एक्साइटेड, खाना भी है ठीक है, आओ मैं आपको खाना खिलाऊं। चलो गाइस, मैं पहले मारा को थोड़ा सा खाना खिला दूं, फिर इसके बाद शूट करते हैं। तो गाइस मायरा को, मेरा मिशन तो फेल हो गया। मेरे से तो मायरा ने खाना खाया नहीं, अब उसकी मम्मी की बारी है, देखो वो खाती है कि नहीं खाती। अरे ना ही खाने का ये चा, बहुत मुश्किल है गाइस बच्चों को खाना खिलाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे से तो इसने खाया ही नहीं कुछ। कभी ना खाए, चलो जब तक इनको खाना खिलाती हैं। फिलहाल मैंने एक बाइट तो खा ली, मुंह में डाल लिया, आई होप कि पूरी रोटी खा ले।